Prime Minister Modi on November 16 departed for his five-day visit to Nigeria, Brazil and Guyana. The Indian diaspora expressed delight ahead of his Nigeria visit. Watch the video. हैदराबाद में जो मूसी रिवर है वो मूसी रिवर को ब्यूटिफिकेशन के नाम पर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए से इसको ब्यूटिफिकेशन करने का घोषणा किया है। उसके साथ साथ जो आज इस बस्तियां 40-50 साल से ये बस्तियां हैं, इसमें लोग जिंदगी गुजारते हैं, गरीब लोग हैं, घरों में काम करने वाले लोग हैं। इस बस्तियों को तोड़ने के लिए, बुलडोजर से तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बार बार घोषणा कर रहे। हम बता रहे ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, करना चाहिए, मगर दो साइड रिटेनिंग वाल करके घर को ना तोड़ते हुए ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री ब्यूटिफिकेशन के नाम पर ये घर तोड़कर रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं, कारपोरेट ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं, सिनेमा थिएटर्स, एंटरटेनमेंट सिनेमा थिएटर्स बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं, गरीबों का हक छीनकर, गरीबों का घर तोड़कर, गरीबों को भगाकर रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना जनता इसलिए वोट दिए क्या? गरीबों को घर तोड़ने के लिए, गरीबों का घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए, गरीबों के ऊपर बुलडोजर से मुख्यमंत्री बात करते हैं, हम जो भी हमारा बुलडोजर के खिलाफ आते हैं उनके ऊपर हम बुलडोजर चलाएंगे। गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को वोट डाले के, कांग्रेस पार्टी को, यह जनता, तेलंगाना जनता, मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, ब्यूटिफिकेशन करिए, मगर घर ना तोड़ते हुए जिस जगह मूसी जा रहे उसको ब्यूटिफिकेशन करो, रियल एस्टेट बिजनेस बंद करो, बुलडोजर के नाम पर लोगों को थ्रेटन करना बंद करो, 1,50,000 रुपए बर्बाद मत करते हुए सीधा ब्यूटिफिकेशन करके नालगोंडा।